हेलो एवरीवन, कल हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट का रिवीजन कर रहे थे। इसमें हमने कल लैंग कल्चर के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने कल कंपोजिशन से पहले यानी जो आपका प्रोसेसिंग ऑफ लैंग इंडस्ट्री है वहाँ तक डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ लैक, यानी जो लैक होती है उसका क्या कंपोजिशन होता है। तो लाख में 68% से 90% रेजिंस, 2 से 10% टाइल्स, 6% पैक्स, 5 से 10% एल्बमिन, 3 से 7% मिनरल वाटर, 3% वाटर आदि के अलावा सुगर व एल्कलाइन सब्सटेंस भी होते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैक। इसमें एडहेसिव क्वालिटी होती है, यानी कि लैग की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसमें एडहेसिव क्वालिटी होती है। हीट करने पर आसानी से आग पकड़ लेती है, यानी इसको गर्म करें तो आसानी से आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट, लैग हीट का एक बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट, लैग वीक एल्कलाई एच अमोनियम, यानी अमोनियम वीक एल्कलाई की तरह करता है। नेक्स्ट, ये वाटर में इनसॉल्युबल, तो बट सॉल्युबल इन एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर सॉल्युबल है जबकि वाटर में इनसॉल्युबल है। अब बात करते हैं एनिमीज ऑफ लैग कल्टीवेशन। ये लैग कल्टीवेशन जब हम करते हैं तो कौन कौन सी एनिमीज हमको परेशान करती हैं, किन चीज़ों से उनको परेशानी होती है लैग कल्टीवेशन के दौरान। लैग कल्चर का बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर काफ़ी प्रभावित रहता है। बायोटिक का मतलब होता है जो सजीव हो, और एबायोटिक जो एक तरीके से मतलब जिसमें लिविंग फॉर्म नहीं दिखे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनमें से एबायोटिक फैक्टर, जैसे हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाई टेम्परेचर, हैवी रेन, विंड वेलोसिटी मेन है। जबकि बायोटिक एनिमल में स्क्वायरल जो कि आपकी गिलहरी होती है, मंकीज एंड ट्रैट्स आदि लैग कल्टीवेटर्स को काफ़ी हमें बचाते हैं। विभिन्न इंसेक्ट लैग को पैरासाइट एंड प्रीडेटर के रूप में हानि पहुँचाते हैं। इनमें से सम इंसेक्ट एज कैल्सिट्स अपने एग्स लैग इंसेक्ट्स पर देते हैं। कुछ इंसेक्ट प्रीडेटर्स एज यूब्लेमा, होलोसेरा आदि की फीमेल अपने एग्स उन ग्रास पर देती हैं जिनमें से निकलने वाले लार्वा लैग इंसेक्ट को खा जाते हैं। बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लैग, यानी जो लैग होती है उसका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो लैग का यूज ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बनाने के लिए किया जाता है, यानी जो पुराने टाइम में ग्रामोफोन होते थे उनमें इसका रिकॉर्ड्स बनाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, लैग का यूज ज्वेलरी बनाने के लिए, ज्वेलर्स फिलिंग मीटर के लिए उसमें करते हैं। यानी आप लोग देखते होंगे जो हैवी ज्वेलरी बनती है जैसे कंगन है, उनमें जो फिलिंग मटेरियल का जो कार्य करता है वो क्या करता है, लैग होता है। इसका यूज पॉलिश, पेंट, मेटल, फर्नीचर्स, वार्निश आदि में किया जाता है। लैग का यूज आर्टिफिशियल लेदर, टॉयज, बटन्स, पॉटरी आदि बनाने में किया जाता है। लैग का फोटोग्राफिक मटेरियल इंक आदि की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। इसे लाइट इंस्ट्रूमेंट में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है। जो नहीं इंस्ट्रूमेंट लाइट के होते हैं उसमें इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसे कॉमनली सीटिंग बैग्स के रूप में, सॉरी सीलिंग बैग्स के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट, लैग इंडस्ट्री इन इंडिया, अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी एरिया में लैग इंडस्ट्री है। किसी समय में इंडिया में ऑल वर्ल्ड के कुल उत्पादन का 97% लैग उत्पन्न किया जाता था। यानी जो ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो उसकी तुलना में उसके कंपेरिजन में 97% लैग था वो इंडिया में उत्पन्न किया जाता था, बाकी 3% अन्य कंट्री में, जो अब कम होकर 50 से 60% रह गया है। फॉरेन करेंसी कमाने के लिए लैग कल्टीवेशन एक अच्छा सोर्स माना जाता था। इंडिया में मिलने वाली लैग को लगभग 50% लैग छोटा नागपुर क्षेत्र में आती है। आजकल कई स्टेट्स जैसे उड़ीसा, पंजाब, यूपी, आसाम, गुजरात आदि में लैग का कल्टीवेशन बढ़ाया जा रहा है। लैग के महत्व को देखते हुए एक इंडियन लैग रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम का रांची में
1925 में स्थापित किया गया। लाख इंडस्ट्री एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसमें केवल बिहार में ही 350 फैक्ट्रीज हैं। अकेले मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 40 फैक्ट्री हैं। अब हम बात करते हैं इसके लिए गाय का साइकिल था उसके स्ट्रक्चर को, यानी उसका जो डायग्राम है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है कि फीमेल्स एडल्ट है, ये इसके एग्स हैं यानी जो एग देती है, ये इसका फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, यानी जो फर्स्ट नेम पर स्टेज होती है ये होती है, सेकेंड नेम पर स्टेज, थर्ड नेम पर स्टेज। उसके बाद ये जो नेम्फ होते हैं या तो मेल में या एडल्ट फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है आपका लाइफ साइकिल ऑफ लेफिसिला का। अब बात करते हैं हम सिल्क का, सेकंड टॉपिक है सिल्क मॉथ यानी सेरीकल्चर। सिल्क मॉथ की अगर बात करें यानी सेरीकल्चर की बात करें, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर, यानी जो हमारा सिल्क प्राप्त करने के लिए सेरीकल्चर में सिल्क वर्म को जो पाला जाता है, यानी जो सिल्क वर्म है उनको जो पाला जाता है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। यहाँ पर कुछ स्पेसीज हैं जिससे कि सिल्क प्राप्त होती है, बॉम्बेक्स मोराई यानी इसको बोलते हैं चाइनीज सिल्क वर्म, अटाका सेटलर यानी जाइंट सिल्क वर्म, एंथ्रिया असामा, एंथ्रिया रेसनाई यानी अरंडी सिल्क वर्म, एंथ्रिया पेरेनाई यानी जापानीज सिल्क वर्म। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे बॉम्बेक्स मोराई या चाइनीज सिल्क वर्म। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है, क्लास इंसेक्टा है, सब क्लास कैरिकोटा है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, फैमिली मोम्बेसिडी है, जीनस मोम्बेक्स और स्पेसीज है इसकी मोराई। इंट्रोडक्शन की बात करें तो बॉम्बेक्स मोराई पर और सिल्क मॉथ इज ए कॉनोमिक रिसर्च, क्योंकि इसे प्योर एंड थ्रू सिल्क प्राप्त होती है। इंडिया में सबसे पहले लेफ्रो ने 1905 में सिल्क वर्म पर इन्वेस्टिगेशन किया था और न्यू दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में सेरीकल्चर की स्थापना की थी। स्पेसीज ऑफ सिल्क वर्म यानी जो सिल्क वर्म है उनकी स्पेसीज की बात करें तो बॉम्बेक्स मोराई ये स्पेसीज सबसे कॉमन होती है और इसी से मोस्टली ग्रॉस सिल्क मिलती है। सेकेंड जो है इसकी, इस स्पेसीज की लार्वल स्टेज मलबरी लीफ पर फीड करती है। कॉमर्शियल दृष्टिकोण से ये स्पेसीज सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे प्राप्त होने वाली सिल्क व्हाइट कलर की होती है। अब बात करते हैं एंथ्रिया पपाया जिसको टसल सिल्क वर्म बोलते हैं, इस स्पेसीज के कैटरपिलर बेस आग सेब अंजीर आदि के प्लांट पर फीड करते हैं। इस मॉथ से बनने वाले कोकून हेन के एग के साइज यानी जो मुर्गी का अंडा होता है उसके साइज तथा हार्ड होते हैं, इनसे ब्राउन कलर की सिल्क बनती है। इस मॉथ की ब्रीडिंग को कंट्रोल करवाना कठिन है। अब बात करते हैं एंथ्रिया असामा यानी मुगा सिल्क वर्म, यह एक वाइल्ड तथा सेमी डोमेस्टिक स्पेसीज है जो इंडिया में है, यह हिमालय में मिलती है। इसका नेटिव प्लेस असम है। यह वर्म की कैटरपिलर मैकेलस प्लांट पर फीड करते हैं। इससे बनने वाली सिल्क को मुगा सिल्क वर्म कहते हैं। अटाकस एटलस यानी जॉइंट सिल्क वर्म, यह लार्जेस्ट स्पेसीज मानी जाती है, यह इंडिया एंड मलेशिया में मिलती है। नेक्स्ट एंथ्रिया रेसनाई यानी एयर सिल्क वर्म, यह स्पेसीज फर्स्टोंग सिल्क होती है, इस साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। इससे प्राप्त सिल्क को अरंडी सिल्क कहते हैं। इसमें कैटरपिलर कैस्टर यानी जो आपने अरंडी का पेड़ सुना होगा उसके पत्ते पर फीड करते हैं। नेक्स्ट एंथेरिया पेरेनाइल यानी ऑक सिल्क वर्म, यह स्पेसीज चाइना एंड जापान में मिलती है। इनसे फाइन क्वालिटी की सिल्क प्राप्त होती है। पीछे लिखी हुई जितनी भी स्पेसीज हैं में से सेरीकल्चर में केवल 4 कॉमनली यूज की जाती हैं, बॉम्बेक्स मोराई, अटाका रेसनाई, एंथ्रिया असामा, एंथ्रिया पपाया है। अब बात करते हैं हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म। बॉम्बेक्स मोराई की एडल्ट स्टेज लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, हैवी बॉडी तथा बीक विंग्स के कारण ये उड़ नहीं पाती और यह अनुसक्त होती है। इसकी लाइफ हिस्ट्री की निम्न स्टेज होती है। नंबर 1 फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यह हैचिंग के फौरन बाद मेल एंड फीमेल्स के साथ कॉपुलेशन करते हैं। अगर मेल व फीमेल अलग नहीं हो पाते तो वह इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर मेल व फीमेल अलग नहीं हो पाते तो कुछ घंटों के बाद मर जाते हैं। एग लेइंग की बात करें तो कॉपुलेशन के फॉर्म बाद फीमेल एग अंदर
कंप्लीट होता है। एक मौत 400 से 500 एग तक देती है। एग लेइंग का काम सदैव क्लस्टर में होता है। एग को फीमेल के द्वारा ही लेटेस्ट सब्सटेंस द्वारा कवर कर लिया जाता है। इसकी वजह से वे प्रॉपर तरीके से अटैच हो जाते हैं। एग राउंड एंड वाइट कलर के होते हैं। जनरली एग्स टू टाइप के होते हैं, डायस्पर्स और दूसरे नॉन डायस्पर्स। इंडिया में नॉन डायस्पर्स एग पक जाते हैं। हैचिंग की बात करें तो 10 डेज के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद एग में हैचिंग होती है, जिससे लार्वा कैटरपिलर बनता है। हैचिंग के बाद कैटरपिलर को लगातार फूड सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिससे सेरिकल्चर इंडस्ट्री में भारी हानि पहुंचती है। अब बात करते हैं हम कैटरपिलर की। लार्वी एंड कैटरपिलर लगभग 0.3 सेंटीमीटर लंबे येलो कलर का होता है। इसमें विकसित मैंडिबुलेट टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें मलबरी के लिए को खाने में आसानी हो जाती है। कैटरपिलर्स में 12 सेगमेंट्स होते हैं। इसमें एब्डोमिनल रीजन में 10 सेगमेंट तथा उन पर 5 पेयर स्टम्पी सूटोपोड लेग्स पाई जाती हैं। इसमें एक डॉर्सल हॉर्न यानी एनल सेगमेंट पर होता है। लार्वा मलबरी लीफ को जल्दी जल्दी खाते हैं और 4 मोल मोल्टिंग के बाद फिफ्थ स्टार में बदल जाते हैं। हैचिंग के बाद इसमें इस क्रिया में 21 से 25 डेज का समय लग जाता है। जबकि कैटरपिलर कंप्लीट ग्रोथ कर लेता है तो उसकी लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। यह फीडिंग बंद करके पीपा में चेंज हो जाते हैं। आप बात करते हैं पीपा की। पीपा बनते समय कैटरपिलर लीफ के कोन्स में पहुंचकर अपने सिल्क ग्लैंड से एक फ्लूइड का सेक्रेशन करता है। यह फ्लूइड एक स्मॉल पोर के द्वारा बाहर निकलता है, जिसे स्पिनरेस्ट कहते हैं। यह पोर हाइपोफेरेंस पर होता है। इसी से सिल्क के लॉन्ग फाइबर्स बनते हैं, जो एयर के क्लोज आने पर हार्ड हो जाते हैं और कैटरपिलर की बॉडी के चारों ओर एक कवरिंग के रूप में लिपट जाते हैं। इसी को कोकून्स कहा जाता है। सिल्क मॉथ की जनरेशन में एक साल में केवल एक क्रॉप यानी जनरेशन बनती है, उसे इनवॉल्टिंग और जिनमें एक देर में दो क्रॉप्स बनती हैं उसे बाईवॉल्टिंग और दो से अधिक बनने पर मल्टीवॉल्टिंग स्पीशीज कहा जाता है। अब बात करते हैं कोकून्स की। कोकून्स वाइट कलर का पेपर बैड होता है, जिसमें आउटर धागे रेगुलर और इनर धागे रेगुलर होते हैं। कैटरपिलर एक कोकून को तैयार करने के लिए 1000 से 1200 मीटर तक कंटिन्यूस थ्रेड का यूज करता है। यह वर्क 3 डेज में कंप्लीट होता है। धागे को कोकून की चरण पर बाइंड करने का तरीका काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इसमें कैटरपिलर की हेड की एक साइड से दूसरे साइड की ओर कॉन्स्टेंट राउंड मूवमेंट होती है। यह एक मिनट में 65 बार होती है। ऐसा करने में सिल्क का पीपा एक थिक वाइट येलो सिक कर कोकून से कंसर्न होता है। एक पॉन्ड सिल्क की फॉर्मेशन के लिए लगभग 2500 कोकून की आवश्यकता पड़ती है। एक कोकून का वेट लगभग 1.8 ग्राम से 2.2 ग्राम तक होता है। पीपा पीरियड 10 से 12 दिन का अंदर समाप्त हो जाता है और पुष्प कोकून को काट कर देते हैं, जिससे एडल्ट बाहर मौत बाहर आ जाते हैं। कोकून्स के अंदर सिल्क वर्क से एक एल्कलाइन फ्लूइड बनता है, जो कोकून्स के एक एंड की मॉइस्ट कर देता है, जिससे मॉइस्ट वाला सिरा सॉफ्ट हो जाता है और फाइनली एक फोर के द्वारा बनाया जाता है, जिससे एडल्ट मौत बाहर निकल आती है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, यानी जो लाइफ पीरियड साइकिल है उसकी। तो ये आप देख पा रहे हैं फीमेल्स मौत की, मेल मौत इनके बीच में कॉपुलेशन की क्रिया होती है। उसके दौरान इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें ये एग दिए जाते हैं मलबेरी लीफ पर। एग से बनते हैं कैटरपिलर, कैटरपिलर से बनते हैं कोकून। यहाँ पर एक कोकून जो है कोकून से ही एडल्ट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर ये कट करके दिखाया गया है कोकून को, इसमें पीपा दिखाया गया है, यानी जो चारों तरफ इसकी कवरिंग है वो सिल्क की कवरिंग है। तो इसको ये दिखाया गया कट ऑफ पार्ट ऑफ कोकून, यानी मेल फीमेल कोऑपरेट किए, एक्स लिंग हुई, कैटरपिलर होना, कोकून कोकून से सीधा एडल्ट की फॉर्मेशन हुई। तो आज हमने सेरिकल्चर के अंतर्गत लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क बॉर्न, स्पीशीज ऑफ सिल्क मॉथ तथा लाइफ कल्चर को डिस्कस किया। धन्यवाद।